भोपाल और इंदौर के बाद में हम निकल पड़े हैदराबाद। हैदराबाद इस साल का हमारा पहला ट्रिप था। ये स्पेशल था क्योंकि इसमें सिर्फ मैं और भाई नहीं थे, इसमें हम सब पूरा परिवार जा रहे थे। फ्लाइट में फ़ोन चार्ज करने की सुविधा भी प्राप्त की गई, तो वेलकम है हैदराबाद ट्रिप में। अब मम्मी का कुछ कहना है। मम्मी, पहले कभी हैदराबाद गए हो क्या? नहीं, हैदराबाद नहीं। पहली बार है। उम्मीद क्या हैदराबाद से कि वहाँ जाके ये मिलेगा, ये होगा कुछ? उम्मीद क्या करूँगा, मेरे को कुछ गिफ्ट देना, घूमने आए हम तो। पापा आप बताओ यार, एक टीचर ही ऐसी सिचुएशन को संभाल सकते है। कहाँ घूमेगी? चार मीनार देखेंगे, बिरयानी खाते हैं और हैदराबाद की बिरयानी खाएंगे अच्छी वाली। आप तो आए हो ना पहले? हाँ, तो मेरे भाई के साथ आए, भाई लेके आया। फैमिली में ड्रामा का सोच के कीपिंग विद कार्डेशियन भाई लेकर आ है निशान भाई ट्रैवलिंग। अच्छा, हम ही चार परिवार हैं क्या? उन्हें आप परिवार में नहीं समझते? निशान कह रहा था सो मैं हवा हूँ, मैं कहीं भी पहुँच जाता। क्या बात है, मेरे को लगा मुंबई एयरपोर्ट पर मन को तो वहीं मिलेगा। अभी हम लोग पहुँच गए हैदराबाद एयरपोर्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ईट सम बिरयानी। ओह नहीं, शहर देखना है और अच्छी जगह घूमना है। मैं मेरे घर वालों के लिए इतना यूजलेस हूँ कि वो लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं और एक बार कॉल भी नहीं किया है कि कहाँ हो क्या है, निकलते ही जा रहे हैं। तो जिशान भाई का टेक्स्ट आ गया कि मैं तो हैदराबाद पहुँच गया हूँ, तुम लोग कहाँ हो? अभी जिशान भाई से मिलते हैं और बिरयानी नहीं शहर घूमते हैं। यहाँ के शहर के बारे में तो हम पता कर ही लेते हैं, पर उसके पहले मेरा दिल तो इस होटल पे आ गया था। जी हाँ, अभी आप लोग देखेंगे इतना आलीशान होटल इसके पहले मैंने कहीं नहीं देखा था। सफर करने के लिए घोड़ों का उपयोग हुआ करता था, ये उसी दौर के मनुष्य हैं। घोड़ों के दौर के मनुष्य हैं तो, क्योंकि वो तो हमारे जमाने में तांगे चलते थे। मैं तो घोड़े पे बहुत बैठी हुई। बहुत अच्छा। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ और क्या, बस यही है बात। मिलते थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार ये ताज। और अभी हम लोग लंच के लिए आए, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। भाई की कंप्लेन है कि अब तू मुझे व्लॉग में नहीं लेता। This was तवा चिकन मटन हलीम। काम कर दिया मैं ऑफिस वाला, ये कुछ बेच है तो मजा आ रहा है, गुस्सा क्या हो रहा है घर में। आज थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं बताऊंगा नहीं कि कहाँ पर क्या है, और कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, मस्त। हैदराबाद में मजा आ रहा है? आदाब 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 आदाब। बिरयानी खाई आपने? आदाब आदाब। हलीम ने निपटा लिया है, शो कल करेंगे, अभी बस खाने के नशे में अब सोना चाहते हैं। जाओ जाओ अपने घर जाओ। ये सुनकर मैं सच में अपने घर की तरफ निकल गया, पर मुझे घर कहीं मिला नहीं, तो मैं ऐसे ही एस्थेटिक बॉय बनकर पागलों की तरह घूमता रहा, कबूतर को देखता रहा, और फिर वहाँ से चल दिया एक कमरे में जहाँ पर मिरर था, क्योंकि एस्थेटिक बॉय बनना था तो ऐसे वाला पोज तो देना पड़ेगा। मेरे लिए रंगारंग कार्यक्रम रखा गया रात को ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए। अब मुझे बुरा लगा ही था, मैं इतने आसानी से तो मानता नहीं, तो मुझे जिशान भाई मम्मी पापा
तीनों लोग लेकर बाहर गए कि इसका मूड थोड़ा अच्छा कर देते, पर खैर मैं इतनी आसानी से तो मानने वालों में से था नहीं। मैंने ज़िद कर ली, मुझे चार मीनार देखना है। मेरा हैदराबाद आने का सिर्फ एक ही मकसद था, चार मीनार देखने जा रहे हैं। ये लोग मुझे हर जगह ले जा रहे पर चार मीनार नहीं दिखा रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे चार मीनार देखना है। तुमने देखा था क्या? हाँ आके गए ना यहाँ, अब देखा हुआ तो इसमें हाँ यार यही सेफ होगा, ऐसा कुछ ट्रैफिक वगैरह दुकानें वगैरह ज़्यादा है, ज़्यादा हुए ना। हाँ, पिछली बार जो साइड में दुकानें हैं जो अभी लगी, हाँ ये सब नहीं था। इंदौर के जैसी वाइब आ रही, इंदौर में जब हम लोग राजवाड़े की तरफ जाते वैसा लग रहा है, ये हैदराबाद का राजवाड़ा है। हाँ। भाई ये रहा दिख गया चार मीनार, ये रहा भाई दिख ही नहीं रहा यार, पास जाके देखना पड़ेगा जल्दी से सब। फाइनली हम लोग पहुँच गए चार मीनार, जो जिस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड था और वो आ गया इधर। माँ आ गया चार मीनार, फिर अब क्या देखने जिस चीज के लिए आया था वो चीज मिल गई भाई, मजा आ गया। कुछ तो अलग बात है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर जगह आपका एग्जिस्टेंस होना चाहिए रिगार्डलेस आप कहीं पे भी हो दुनिया में। जैसे कि आप देख रहे हैं चार मीनार है, चार मीनार के अगर आप बीच में से ही देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा, जूम करिए अगर, और होटल का नाम देखेंगे। आपको याद है लखनऊ इदरीस की बिरयानी हमें किसने खिलाई थी? क्या दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा दिशान। दिशान यार बहुत शुक्रिया भाई, तुमने खिलवा दिया वरना तो मुश्किल लग रहा था। बुक डिपो है वो। अच्छा बुक डिपो है, नॉलेज बांट रहे हो आप। नॉलेज बांटता हूँ यार मैं। सॉरी सॉरी होटल बोल रहा है मुझे। तो मुझे मालूम था बुक डिपो है, होटल कब से हो गई? पापा भी अपने ही पापा है। आज कुछ अलग दिन है क्योंकि आज हम भाई के लिए ओपन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ मामले चल रहे हैं इधर।